दोस्तों 11,000 करोड़ की मर्सिडीज की हुई नीलामी, क्या है कार में खास? ऐसी भी जगह है जहां पर कोई कानून किराया नहीं। फल आम के बारे में कुछ अनसुनी बातें, दोस्तों जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर अपने साथ ले जाया गया सिलेंडर में कौन सी गैस होती है जिनसे गोताखोर को सांस लेने में परेशानी नहीं होती? दोस्तों गोताखोर अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण सिलेंडर को अपने साथ ले जाता है ताकि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन में टॉक्सिस की तरह कार्य कर सके, क्योंकि वहां दाव का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है ताकि गोताखोर आसानी से गहरे समुद्र में सांस ले सके। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे ईमानदार देश कौन सा है? इसके उत्तर की बात करें तो पहले नंबर पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आते हैं, जबकि फिनलैंड को ईमानदारी के लिए तीसरे स्थान मिला है। वहीं विकसित व पड़ोसी देशों की बात करें तो अमेरिका कुल 180 देशों की लिस्ट में 67वें स्थान पर, चीन 78वें, नेपाल 117, पाकिस्तान 124वें स्थान पर आता है। अब आपके अंदर एक सवाल जरूर बन रहा होगा कि भारत इस लिस्ट में कौन सा स्थान हासिल करता है, तो 180 देश की लिस्ट में भारत 86वां स्थान व 2019 की रिपोर्ट में 80वां स्थान प्राप्त किया था। फैक्ट नंबर 3, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फल आते हैं। यही वह मौसम होता है जब फलों का राजा आम भी अपनी ढेर सारी वैरायटीज के साथ बाजार में उपलब्ध होता है। आज हम आम का इतिहास व कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आम के इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में उगाए जाने वाले फलों में आम सबसे पुराना फल है। इसे भारत में 5000 सालों से पहले उगाया जाता था। भारत में सबसे पहले आम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उगाया गया है। वह इस क्षेत्र वर्तमान म्यांमार से जुड़ा हुआ है जहां आज के बाग सबसे पहले लगाए गए थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत से वापस ग्रीस जाते हुए वह अपने साथ आम की सबसे अच्छी वैरायटीज अपने साथ ले गया था। वर्तमान समय में दुनिया में 1000 से ज़्यादा वैरायटीज आम की पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, हाल ही में मर्सिडीज बेंज 300 SLR की 1100 करोड़ रुपये के साथ नीलामी की गई है। इसकी खास बात की जाए तो इस नीलामी को गुप्त रखा गया है, खरीदने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। बस इतना बताया गया है कि जर्मन के स्टेटबर्ग शहर का रहने वाला है। ऊंचे कीमत पर बिकने की सबसे बड़ी वजह इसका इंजन है। मर्सिडीज 300 SLR का उत्पादन 1950 और 60 के दशक में किया गया था। फैक्ट नंबर 5, मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों आज के आधुनिक और प्रौद्योगिकी समय में मोबाइल मानव जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। आज दुनिया में 66% आबादी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब मोबाइल फ़ोन इंसान की चौथी ज़रूरत बनने की कगार पर है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मोबाइल से सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज नील पामवर्थ द्वारा 1992 को भेजा गया था, जिसमें लिखा था मैरी क्रिसमस। दोस्तों रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया में 49% लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल मोबाइल गेम खेलने के लिए करते हैं, वहीं 30% लोग इसका इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक ऐसी जगह भी है जहाँ रहने के लिए ना कोई किराया देना पड़ता है और ना ही कोई टैक्स। यहाँ कोई नियम कानून कायदाद नहीं होता। कुल मिलाकर स्लेव सिटी में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसे धरती का लॉलेस प्लेस भी कहा जाता है, जहां लोग अपनी मर्जी से जीते हैं। इसका खुलासा होस्ट बैंड फेगले ने अपने प्रोग्राम में किया था कि इस जगह पर मानसिक समस्या से पीड़ित लोग जाते हैं या फिर कानून से बचने के लिए लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में कोई सरकार प्रशासन नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।